झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं बोर्ड के परिणाम जारी कर दिए हैं। जैक ने अपने वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in पर रिजल्ट जारी कर दिया है। जारी रिजल्ट में 95.93% छात्र पास घोषित किए गए हैं। ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया। इस बार कोरोना की वजह से मैट्रिक की परीक्षा नहीं हुई थी। जैक ने 9वीं बोर्ड के लिए आयोजित हुई परीक्षा को आधार बनाकर रिजल्ट जारी किया। जैक चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद ने परीक्षा परिणाम पर संतोष जताया। कुल 4,33,571 परीक्षार्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन दिए थे। इनमें से जो उत्तीर्ण हुए क्लास 9 के रिजल्ट और इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल को लेकर के जो उत्तीर्ण हुए ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या 4,15,924 है। कहने का मतलब ये कि जितने परीक्षार्थी परीक्षा के लिए आवेदन किए थे उनमें से 95.93% विद्यार्थी सफल घोषित हुए। जैक मैट्रिक का रिजल्ट, झारखंड बोर्ड मैट्रिक में 95.93% बच्चे सफल। जैक का अब तक का सबसे बेहतर रिजल्ट। 4,15,924 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। 2,70,931 छात्र प्रथम श्रेणी में हुए पास। 1,33,924 छात्र सेकंड डिवीजन और 11,069 थर्ड डिवीजन। जैक मैट्रिक में मात्र 4.7% बच्चे हुए फेल। पिछले साल की तुलना में करीब 20% बच्चे पास हुए। पिछले साल जहां 75.01% स्टूडेंट्स पास हुए थे, मैट्रिक की परीक्षा में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। इस बार टॉपर की सूची नहीं जारी होगी। रिजल्ट तैयार करने के लिए 80-20 का फॉर्मूला अपनाया। मैट्रिक के रिजल्ट के लिए 9वीं में मिले अंक से 80% दिए गए। 20% अंक आंतरिक मूल्यांकन या प्रैक्टिकल से मिले अंक को शामिल किया गया। जिन विषय में प्रैक्टिकल नहीं है उनमें इंटरनल असेसमेंट को शामिल किया गया। www.jacjharkhand.gov.in पर देखें रिजल्ट। वहीं कोरोना से उबरने के बाद पहली बार शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। 30 जुलाई तक आपने एफिडेविट करके दिया है कि हम रिजल्ट आउट करेंगे, इसी तरह एफिडेविट करके दीजिए कि हम 2 साल में 3 साल में हम निजी विद्यालय के बराबर करेंगे, तभी हम सफलता मिल सकता है। बस इन्हीं चंद बातों में अपना वक्त समाप्त। अब इंतजार इंटर के रिजल्ट का है जो 30 जुलाई को आएगा। मलाल बस इस बात का है कि कोरोना के कारण इस बार भी टॉपर सूची आएगी नहीं और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो टॉपरों को कार नहीं बांट पाएंगे। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन विशाल के साथ अजय लाल की रिपोर्ट। हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे इस सबसे मुश्किल दौर में सबसे बेहतरीन जैक का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। पिछले साल की तुलना में 20% के करीब अधिक छात्र छात्राएं पास हुई हैं और बेटियों ने फिर से बाजी मारी है। अजय, देखिए दीपक, के पूरा का पूरा कोरोना काल में यह तो तय मानकर चलिए कि परीक्षा लेने की स्थिति में न तो शिक्षा विभाग था न ही जैक के लोग थे। जाहिर सी बात है, एक विकल्प के तौर पर यह बातें सामने आई कि 9वीं बोर्ड की जो परीक्षा हुई थी उस आधार पर 10वीं के रिजल्ट तैयार किए जाएं, और आखिरकार ऐसा ही हुआ। अच्छी बात यह रही कि 9वीं का जो परीक्षा हुई थी उसमें अधिकतर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव थे। इसका फायदा झारखंड के वैसे परीक्षार्थियों को मिला है जो इस साल मैट्रिक की परीक्षा देने वाले थे। जाहिर सी बात है, कई ऐसे छात्र हैं जो कि पढ़ाई में कमजोर थे लेकिन उनका भी रिजल्ट बेहतर हुआ है। इस साल जो परीक्षा फल आया है 95.93 के आसपास, ये अब तक का सबसे अच्छा रिजल्ट माना जा रहा है। और एक अहम बात यह भी हुई कि कल ही सूबे के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जगन्नाथ महतो को शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा
और उसके तुरंत बाद से जैक में परीक्षा की तिथि घोषित थी। उसी वक्त जगन्नाथ महतो से जैक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने फोन पर बात की और उनसे जैक कार्यालय आने का अनुरोध किया और यह भी कहा कि यदि आप आने में असमर्थ हैं तो क्यों ना जगन्नाथ महतो के आवास से ही परीक्षा फल को घोषित किया जाए। लेकिन जगन्नाथ महतो ने साफ तौर पर कहा कि मैं जैक कार्यालय आऊंगा और राज्य हित में परीक्षार्थियों के हित में जैक कार्यालय से ही परीक्षा घोषित होनी चाहिए और जगन्नाथ महतो आए। लगभग 11 महीने बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जगन्नाथ महतो दिखाई पड़े, ये वैसे लोगों को संतोष हुआ है जो जगन्नाथ महतो की सेहत को लेकर चिंतित थे। जगन्नाथ महतो ने इस मौके पर परीक्षार्थियों को बधाई दी और साथ ही ऐसे परीक्षार्थी जो कि परीक्षा में असफल हो गए उन्होंने कहा कि हारना नहीं है, अगली बार फिर से जीतना है। उन्होंने खुद के बारे में कहा कि मैं बीमार हो गया था, काफ़ी ख़राब स्थिति थी, बावजूद इसके मैंने कोरोना से जंग लड़ा और अब मैं स्वस्थ हूँ। इसी प्रकार का जज्बा परीक्षार्थी भी दिखाए। एक अफसोस उन्होंने यह जताया कि इस बार टॉपरों की घोषणा नहीं होनी है क्योंकि परीक्षा फिजिकल नहीं हुई, लिहाजा जगन्नाथ महतो का कहना था कि यदि इस बार भी टॉपरों की घोषणा होती तो ऐसे परीक्षार्थियों को वो कार आल्टो कार जरूर देते पुरस्कार के तौर पे जैसा कि उन्होंने पिछली बार दिया था। तो कुल मिलाकर परीक्षा फल पर जैक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह, जैक के सचिव महीप कुमार सिंह और खुद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने संतोष जताया है और कल इंटर का रिजल्ट आने वाला है। मुझे लगता है कि मैट्रिक के तौर पर इंटर का भी परीक्षा फल बेहतर होगा। दीपक जी धन्यवाद अजय इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो जैक का रिजल्ट आ गया है, 95.93% छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं।